Students, in our last lectures, we have studied about the physical quantities. What are physical quantities? All measurable values are physical quantities. Now students, हमारे पास जो भी physical quantities हैं, जिनके बारे में discuss करते हैं, हमारे हर तरफ जो physical quantities हैं, जिसके अंदर हमारा distance आ जाता है, time आ जाता है, ठीक है? अब हम लोगों ने जाना है किसी तरफ, ठीक है? हम distance find करते हैं, हम कहते हैं भाई हम लोग 50 मीटर गए हैं. अब हमें ये नहीं पता है कि हम लोग 50 मीटर किस तरफ गए हैं, दाएं गए हैं, बाएं गए हैं, सामने या पीछे की तरफ गए हैं, हमें डिस्टेंस के बारे में नहीं पता. टाइम 10 सेकंड गुजर गया, 15 सेकंड गुजर गया, 20 सेकंड गुजर गया, हमें उस चीज के बारे में नहीं पता कि हमने टाइम किस तरह गुजारा, ठीक है? मींस कि हमारे पास यहां पे जस्ट क्या है, एक मैग्नीट्यूड है. जस्ट हमारे पास वो जो चीज हमारे पास है वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड. अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, हम लोगों ने जो चीज फाइंड की है मैग्नीट्यूड, कि मैंने आपको अभी बताया ना कि डिस्टेंस हम किस तरफ गए हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है. हम लोगों ने डिस्टेंस क्या थी, 50 मीटर किया या किलोमीटर में चल जाते हैं, 120 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया, मगर हम लोगों ने वहां पे जस्ट क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड की है. जैसे हमें उसके मैग्नीट्यूड का पता है कि हम लोगों ने उसकी क्वांटिटी कितनी है असल में. लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं कि जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि हम लोग फलां तरफ गए, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो नॉर्थ की तरफ कवर किया है. अब जब डिस्टेंस को हम लोग एक खास डायरेक्शन की बात कर देते हैं, तो वहां पे वही डिस्टेंस जो हमारा है वो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. मींस कि उसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया. अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो चीज है वो है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस के उसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास, और प्लस क्या आ गई हमारे पास, डायरेक्शन. मींस कि हमने लोगों ने एक खास सिमत की तरफ जो है वो मूव किया है. अब यहां पे जो हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है इसको सुनो नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर. अब मींस के वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantities that have directions and magnitude. अब यहां पे हमारे पास मतलब ये जो चीज हमारे पास बनती है, ये जो डेफिनेशन है ये बन गई एक वेक्टर की डेफिनेशन. अब यहां पे देखें कि हमारे पास क्या चीज है, कि हमारे पास यहां पे डायरेक्शन भी है और क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी है. अब यहां पे हमारे पास जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो क्या है कि अब डिस्टेंस, अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल कि ये मेरी पोजीशन है और मैंने इस तरफ आना है, स्पेसिफिक मेरा पॉइंट जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये चीज है. अब यहां पे अगर मैं जाना तो मैं इस तरफ मूव करूंगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है? अब यहां पे मेरे पास क्या है, ये चीज मेरी डायरेक्शन को शो कर रही है. अब यहां पे जो दरमियान में मेरे पास डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, वो क्या चीज बन जाएगी, मैग्नीट्यूड बन जाएगी. तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. अब यहां पे हमारे पास जो चीज आती है, दूसरी चीज हमारे पास जो आती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, और उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटीज, only the quantities that have only magnitude. For example, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कौन सी है, हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं, वो हमारे पास है टाइम, लेंथ, मास,
एनर्जी ईटीसी, ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी का और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डिफरेंस जो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन का, कि दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, बट दोस व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास जो बेसिक इस चैप्टर का जो स्टार्ट था, मींस कि इंट्रो था, वो थोड़ा सा बस यही था हमारे पास कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटीज क्या चीज होती है। अब हमारे पास जो वेक्टर की टाइप्स है आगे के वेक्टर किस टाइप्स के होते हैं, मींस इनकी टाइप्स कितनी है। स्टूडेंट यहां पे देखो हमारे पास एफएससी लेवल के, मैं आपको बस बता देता हूं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो हमारे पास है सबसे पहले पोलर वेक्टर्स और दूसरी स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है एक्सियल वेक्टर्स। अब हमारे पास पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स कौन सी हैं? हमारे पास जो पोलर वेक्टर है वो उसमें हमारे पास क्या चीज बन जाती है, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव स्टार्टिंग पॉइंट, मींस फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास अगर ये मेरे पास बुक है या कोई मैस है, अब मैंने इसको यहां से थ्रो करना है लीनियर डायरेक्शन में, मींस जो हमारे पास लीनियर मोशन है, अगर मैं इसको यहां पे पुश करूंगा तो इसकी कास्ट डायरेक्शन होगी कि इसके इसने एक लाइन में मूव करना है। जब ये चीज एक मैस एक लाइन में मूव करेगा तो उस समय क्या है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पे इसने एंड होना है वो क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये जो लाइन में एक लाइन में मोशन होगा वो जो डिस्टेंस एक लाइन में कवर होगा दैट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स, मींस जिनकी डायरेक्शन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और दूसरी तरफ क्या उनका एंड हो, लेकिन उनका जो मोशन है वो क्या हो सिंगल लाइन हो, दैट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। अब हमारे पास जो एक्सियल वेक्टर्स है वो कौन से हैं स्टूडेंट हमारे पास, एक्सियल वेक्टर मींस कि देखें उनका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा फिक्स होता है, मींस के वो क्या करते हैं वो रोटेट करते हैं, उनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या होती है रोटेशन होती है। अब रोटेशन के अंदर क्या है स्टूडेंट कि एक दफा हमने जब उसको पुश कर दिया तो अब उसने वो रोटेट करते हैं, अब उसका जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोई नहीं होगा, मींस के रोटेशन ऑफ जो हमें रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ मून स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ मून कि हमारे पास क्या कहेंगे जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है फिक्स है, जबकि लीनियर मोशन है वो पूरी की पूरी बॉडी मूव कर जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक सेंटर पॉइंट लिया क्या होता है फिक्स होता है और विदाउट एनी पॉइंट के दरमियान कोई जो कोई भी दरमियान जो हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है, यह हमारे पास क्या है एम्प्टी है, जैसे ये क्या है मूव करे खास पॉइंट के अंदर, तो उसमें ये जो मोशन होती है हमारे पास रोटेशन जो मोशन हम कहते हैं, तो तब जो हमारे पास क्वांटिटी बनती है जो मोशन की क्वांटिटी बनती है उसके अंदर हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या चीज आ गई पोलर वेक्टर और दूसरा हमारे पास क्या आ गया एक्सियल वेक्टर चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास जो स्टार्ट में आज का जो इंट्रो था इस वेक्टर का वो हमारे पास ये थोड़ा सा था कि सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया क्या चीज थी आपको, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर क्या चीज है, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या चीज है। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रो है, तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करें आज का जो लेक्चर है उससे जस्ट मैं इंट्रो के ऊपर दे रहा था, ठीक है। जो हमारे पास उसके अलावा जो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूसरे इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो लेक्चर जो है पूरे 45 मिनट्स का होगा, जो हमारे पास वो जो लेक्चर है वो लेंथ ही होगा, तो इसको जरा नोट कीजिएगा नोट करके और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा बाद में खुद।